यूपी के मुरादाबाद में कैफे मुद्दा बन गए हैं। इन कैफेज में क्या होता है, पूरा बवाल इसी बात पर खड़ा हुआ है। बजरंग दल का यह दावा है कि मुस्लिम लड़के नाबालिग स्कूली हिंदू लड़कियों को लेकर आते हैं, शुरुआत दोस्ती के नाम पर होती है और फिर कैफे में बैठने के लिए 400-500 रुपए प्रति घंटा पर केबिन दिए जाते हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी लेकिन मुरादाबाद में गुस्से का तापमान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मुरादाबाद में द हट कैफे एंड रेस्टोरेंट का घेराव हुआ। एक तरफ पुलिस खड़ी है, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी खड़े हैं। जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस चल रही है। प्रदर्शनकारी पुलिस से रेस्टोरेंट की चेकिंग करने की डिमांड कर रहे हैं। तीन लोग रहेंगे आप, हमारे संगठन का हुआ है। हम आपकी बात का पूरा मान सम्मान है, हम करेंगे, हमने कह दिया बंद कर। आपकी बात का पूरा मान सम्मान करे तो आप कहना था, आपकी बात का पूरा मान सम्मान है। तीन लोग आएंगे, ये हमारे सामने खुलेगा, चेक होगा, उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे। मुरादाबाद में जिस कैफे का घेराव हुआ उस कैफे का मालिक मुसलमान है, घेराव करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ता है। मुरादाबाद में आखिरकार भाईजान के कैफे का घेराव क्यों हुआ, बजरंग दल के कार्यकर्ता कैफे को लेकर क्यों भड़के हुए हैं? बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मुरादाबाद में कैफे के अंदर लव जिहाद चल रहा है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कैफे के अंदर मुस्लिम लड़के नाबालिग लड़कियों को लेकर आते हैं, कैफे के अंदर हिंदू लड़कियों के साथ गलत काम होता है, इसमें कैफे संचालक पूरा सहयोग करता है, इसलिए इस कैफे को बंद किया जाना चाहिए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि रामगवार चौकी के अंतर्गत ये कैफे हैं, एक द हट कैफे है, एक रॉयल कैफे है और एक निर्वाणा कैफे है। इन तीनों कैफों के अंदर लगातार नाबालिग लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ आ रही थी और इन कैफों के अंदर केबिन बना रखे हैं कैफे संचालकों द्वारा पर्दों से ढक कर के, और उसके अंदर अश्लीलता फैलाई जा रही है पूरी तरीके से। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें लड़का लड़की अश्लीलता कर रहा है, वो किसी कैफे के स्टाफ द्वारा ही वीडियो बनाई गई है। तो आज भी 5-6 जोड़े बैठे हुए थे, इसकी सूचना हमें मिली, हम पुलिस को सूचना करके पुलिस के साथ मौके पर आए और कुछ कैफे संचालक हमारे आने से पहले ही बंद करके भाग गए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये काम बस इस कैफे में नहीं चल रहा है, इस गंदे काम में कई और कैफे मालिक भी शामिल हैं। बजरंग दल ने पुलिस को लिखित ज्ञापन दिया है। इस शिकायत में मुरादाबाद के अलग अलग कैफे और रेस्टोरेंट पर अश्लीलता फैलाने और लव जिहाद की आशंका को लेकर आरोप लगाया गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मुरादाबाद के रामगंगा विहार चौकी में 3 कैफे इस काम में शामिल है, द हट कैफे, रॉयल कैफे और निर्वाण कैफे का नाम अपनी शिकायत में लिखा है। आरोप है कि कैफे के अंदर नाबालिग हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ आ रही है, कैफे में पर्दे डालकर छोटे छोटे केबिन बनाए गए हैं, इन्हीं केबिनों के लिए 300-400 रुपए घंटे चार्ज किए जाते हैं और इन्हीं केबिन के अंदर हिंदू लड़कियों के साथ गलत काम होता है। यही वजह है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता और पुलिस फौरन एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं, मुस्लिम कैफे को फौरन बंद करने की डिमांड की है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़े आंदोलन की बात कह रहे हैं। भी हमने पुलिस को लिखित में शिकायत दी है, जो कैफे संचालक है उनसे कैफे को बंद कराने के लिए, जो इसमें केबिन बना रखे हैं वो केबिन हटवाने के लिए, और जिस कैफे की वो वीडियो है अश्लीलता वाली उस कैफे के संचालक पर मुकदमा लिखने के लिए हमने कार्यवाही की मांग करी है। अच्छा, आपकी मांग को पूरा ना करा जाए तो आप क्या करेंगे? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी
तो हम बजरंगदल के द्वारा एक बैठक करके योजना बनाकर और आगे बड़ा आंदोलन करेंगे। पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की शिकायत तो ले ली है, लेकिन केस अभी तक दर्ज नहीं हुआ है।